हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर अहमद आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग किंग पर फिर से स्वागत करता हूं। जी हां, तो फ्रेंड्स हम लोग चैप्टर मैथ्स में प्रॉफिट लॉस देख रहे थे और क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 तक ऑलरेडी देख लिए। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप पीछे के वीडियोस में जाकर वॉच कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ क्वेश्चन नंबर 51 से हम लोग 2B कंटिन्यू करने जा रहे हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप सब्सक्राइब कर चुके तो अपने फ्रेंड सर्कल में हो सके तो शेयर कर दें, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। फ्रेंड्स क्वेश्चन 51 जिसमें लिखा गया कि एक पेन को 15 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति ने जितने मूल्य का वह पेन खरीदा उसे उसकी 1/16 हानि होती है, पेन का क्रय मूल्य क्या है। तो फ्रेंड्स हम लोग का जो हानि हो रहा वह क्रय मूल्य का 1/16 का नुकसान हो रहा है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं फ्रेंड्स क्योंकि लॉस अगर हम देखेंगे लॉस बराबर हो जा रहा सीपी का 1/16, सीपी का 1/16 नुकसान हो रहा। तो हम फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं लॉस बाय सीपी हो जाएगा, लॉस बाय सीपी बराबर हो जाएगा 1/16। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 1/16, मतलब ये हुआ कि हम लोग का सीपी जो है फ्रेंड्स हम लोग का सीपी जो है वह 16 रुपये है, और लॉस जो है फ्रेंड्स वो कितने का हो गया, 1 रुपये का नुकसान हो गया। तो हम लोग का सीपी इतना है, 1 रुपये का नुकसान हो गया, तो फ्रेंड्स हम लोग का ये एसपी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 16 रुपये का सामान है 1 रुपये का नुकसान में अगर हम बेचे हैं, 16 रुपया सीपी है मेरा फ्रेंड्स, और 1 रुपये अगर हम नुकसान में अगर बेचे हैं, मतलब कितना बेचे हैं फ्रेंड्स, ये हम 15 रुपये में बेचे, कितना बेचे 15 रुपये में बेचे, लेकिन हमको एसपी दिया हुआ फ्रेंड्स, यानी 15 जो हम लोग का रेशियो दिख रहा है इसका वैल्यू हमको दिया गया है 15 रुपये में बेचा जाता है, 15 रुपये में बेचा जाता है, ये मेरा गिवन है क्वेश्चन में, ये मेरा एसपी दिया हुआ है। तो यहाँ कितना गुना दिख रहा है फ्रेंड्स, 1 गुना दिख रहा है, हमसे पूछा जाता है बताइए तो पेन का क्रय मूल्य क्या होगा, तो इसका भी अगर 1 गुना अगर करेंगे फ्रेंड्स तो हम लोग को 16 रुपये ही आएगा, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। लिखा गया कि एक दुकानदार एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य का 3/4 भाग अंकित करता है, यानी कि यहाँ पे हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स, हम लोग मान लेते हैं सीपी जो है ये 100 है, सीपी कितना है फ्रेंड्स ये 100 है, लेकिन यहाँ पे एमपी दिया गया फ्रेंड्स, यहाँ पे एमपी हम लोग को दिया गया, ये एमपी इसका 3/4 भाग अंकित करता है, यानी एमपी अगर हम निकालेंगे, एमपी अगर मार्क प्राइस अगर निकालेंगे फ्रेंड्स, इसका 3/4 भाग, 3/4 मतलब 4 से काटेंगे तो 25 या 75 रुपये जो है फ्रेंड्स, 75 रुपये जो है एमआरपी रखता है, 75 रुपये इसका एमआरपी रखता है। आगे लिखा गया यदि वह अंकित मूल्य पर 40% लेकर 40% लाभ लेकर वस्तु को बेचता है, अंकित मूल्य मतलब इस पे 40% का प्रॉफिट लेता है फ्रेंड्स, इस पे 40% का प्रॉफिट लेता है, तो 75 का 40% कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो 75 का 40% हो जाएगा आपका, हम बोल सकते हैं कि इसमें अगर 75 का 40% अगर देखेंगे, 75 का 40% अगर देखेंगे इसका 10% हो जाएगा हम लोग का, यानी कि 7.5, तो 7.5 इंटू इसका 40% हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 30 हो जाएगा, मतलब इसको 30 रुपये बढ़ा करके बेचता है, 30 रुपये बढ़ा करके बेचेगा फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा 105 रुपये, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 105 रुपये हो जाएगा। लेकिन आगे लिखा गया तो उसे अंकित, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, तो अब यहाँ से देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे उसको कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, तो सीपी कितना है फ्रेंड्स मेरा 100 है, और यहाँ पे वो बिक कितने में रहा था 105 में बिक रहा, मतलब हम लोग का प्रॉफिट कितने को हो रहा फ्रेंड्स, तो हम लोग बोल सकते हैं प्रॉफिट हो रहा हम लोग का 5 रुपये का, कितने को हो रहा 5 रुपये का हो रहा, कहाँ से हो रहा, तो सीपी से हो रहा, और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब हमको 5% का प्रॉफिट होगा जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। 53 जिसमें लिखा गया रमन एक गीजर उसकी लिखी हुई कीमत के 9/10 में खरीदा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखी हुई कीमत यानी एमआरपी को हम लोग मान लेते हैं ये 100 है, एमआरपी कितना है फ्रेंड्स 100% है, और इसका कितना में खरीदा है फ्रेंड, तो यहाँ पे लिखा गया कि उसका 9/10 में खरीदा, इसका 9/10 में खरीदा, 9/10 में खरीदा, तो 100 का 9/10 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा 90, कितना में खरीदा गया फ्रेंड, तो ये 90 में खरीदा गया है, और अंकित मूल्य से 8% ज्यादा में बेचा,
और इसे कितना में बेचा गया फ्रेंड्स, अंकित मूल्य जो कि हम लोग का 100% इसको 8% ज्यादा में बेचा, इसका 8% ज्यादा कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि इसको यानी कि 108 में बेचा जाएगा, 100 का 8% 8 होगा जो इसमें 8 करेंगे तो इसको 108 में बेचा जाता है। तो हमसे पूछा गया फ्रेंड्स तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो फ्रेंड्स हम लोग 90 रुपए में सामान को खरीदे हैं, आप 108 रुपए में अगर ये यहाँ बेचे हैं तो हम लोग को प्रॉफिट दिख रहा, क्या दिख रहा फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट दिख रहा, आप कितने का प्रॉफिट दिख रहा, तो यहाँ पे 18 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा। आप प्रॉफिट या लॉस कहाँ से दिखेगा, तो सीपी से दिखेगा जो कि 90 रुपीज है, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब बोलेंगे 18 से काटेंगे 5 बार में 18 × 5 = 90 हो जाएगा, और 5 से काटेंगे 5 × 20 = 100, मतलब 20% का हम लोगों को प्रॉफिट दिखेगा जो कि फाइनली आंसर होगा। क्वेश्चन 54 जिसमें लिखा गया कि एक दुकानदार ने अपना माल सूची मूल्य से आधे मूल्य पर बेचा, तो फ्रेंड्स हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं, यहाँ पे ये सीपी है, यहाँ पे ये एसपी हो गया, और यहाँ पे हम लोग का ये एमपी हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का ये एमपी हो जाएगा। छूट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है फ्रेंड्स, और प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी से देखा जाता है, आई दोनों ही कंडीशन में एसपी हम लोग को बीच में रहेगा। तो लिखा गया एक दुकानदार ने अपना माल सूची मूल्य से आधे मूल्य पर बेचा, सूची मूल्य से आधे मूल्य पर बेचा, तो फ्रेंड्स हम लोग सूची मूल्य मान लेते हैं यहाँ पे 100 है, आधे मूल्य पर बेचा मतलब 50 में बेचा, और इस प्रकार जो है उसे 20% की हानि होती है, तो प्रॉफिट या लॉस कहाँ देखेगा फ्रेंड्स, हम लोग का सीपी से देखेगा, 20% का 20% का हानि होता है, मतलब अगर 100 रुपए का चीज था तो 20% का नुकसान हुआ, मतलब 80% में वो बिका। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करते हैं, इसको थोड़ा रेशियो में ले आते हैं, छोटा कर लेते हैं, 50 से काटेंगे एक बार में, 50 से काटेंगे ये दो बार में कट जाएगा, और यहाँ पे हम लोग इसको काटेंगे 20 से 20 25 100 हो जाएगा, और 20 से काटेंगे ये चार बार में कटेगा, और हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स यहाँ का जो खाली बॉक्स है यहाँ पे ये वाला लास्ट इस लाइन का जो लास्ट डिजिट हुआ यहाँ पुट अप हो जाएगा, और यहाँ का जो खाली बॉक्स है इस लाइन का जो लास्ट डिजिट है वो हम लोग का यहाँ पे पुट अप हो जाएगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए फ्रेंड्स तो इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे 1 यहाँ पे हम लोग का ये 5 हो जाएगा, 1 × 5 ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स हम लोग का ये 8 हो जाएगा, यानी कि ये सीपी हुआ, ये एसपी हुआ, और ये मेरा एमपी हुआ। आगे लिखा गया कि यदि उसे सूची मूल्य पर बेचा जाता, मतलब सीपी यहाँ पे है, एसपी यहाँ पे है, एमपी यहाँ पे है, यदि उसे सूची मूल्य पर अगर बेचा जाए, मतलब अगर सीपी जो 5 रुपए का चीज है उसे अगर एमपी यानी 8 रुपए में अगर बेचा जाए तो प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे हम लोग का प्रॉफिट दिख रहा, कितने का प्रॉफिट दिख रहा फ्रेंड्स, जो 3 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा, और हम लोग प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट बराबर हो जाएगा प्रॉफिट बाय सीपी और इनटू 100 हो जाएगा, यानी प्रॉफिट कितने का दिख रहा फ्रेंड, 3 का दिख रहा, सीपी कितना है फ्रेंड तो ये 5 है, और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से काटेंगे 5 × 100, मतलब 20 या 60% का फाइनली हम लोग का प्रॉफिट हो जाएगा, और यही आंसर होगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन 55 जिसमें लिखा गया एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 5% की हानि पर बेची। फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि सीपी जो है वो हमेशा 100% होता है, इसे 5% के नुकसान पर बेचा गया, मतलब 95% पर बेचा गया, कितना बेचा गया फ्रेंड्स 95% में बेचा गया, जिसका कुछ मूल्य होगा पता नहीं है। आगे लिखा गया यदि वह इतना रुपया अधिक पर बेचा जाता, यदि वह 56.25 रुपया अधिक पर बेचा जाता, यानी इसको 56.25 रुपया अधिक पर अगर बेचा जाता, अधिक पर अगर बेचा जाता, इतना रुपया यदि अधिक पर बेचा जाता तो कितना बेचा जाता ये पता नहीं है, लेकिन बोला कि इतना रुपया अधिक पर बेचा जाता तो उसे 10% का लाभ होता, तो 10% का लाभ, लाभ या हानि कहाँ देखेंगे फ्रेंड, तो हम लोग का यहाँ से देखेंगे, यानी कि सीपी जो 100 है उसको 10% का लाभ होगा, 10% का लाभ होगा, तो 10% का लाभ कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा 110%। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पे 56.2 रुपया अधिक पर अगर बेचा जाता है तो 10% का लाभ होता है। तो फ्रेंड्स हम बोलेंगे इधर का जो इधर परसेंटेज का डिफरेंस कितने का दिख रहा फ्रेंड्स, तो परसेंटेज का डिफरेंस अगर देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे हम लोग का ये 15 का डिफरेंस दिख रहा, 15 का डिफरेंस दिख रहा,
इधर का डिफरेंस कितने का दिख रहा फ्रेंड्स, मूल्य का डिफरेंस दिख रहा 56.25 रुपीस। तो हमसे पूछा जा रहा फ्रेंड्स तो इसका घड़ी का लागत मूल्य क्या होगा, यानी हम लोग का 100% का वैल्यू पूछा जा रहा। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं इसलिए हम लोग का 100% का वैल्यू अगर निकालेंगे, 100% का वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग का ये आ जाएगा 375 रुपए, 375 रुपए, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से क्वेश्चन हम लोग आज 55 तक कंप्लीट किए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप वीडियोस को पूरा वाच किए हैं, और आपके वाच करने के लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं बहुत जल्द अगला वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 56 से टू बी कंटिन्यू आगे की ओर देखेंगे। तो चलिए आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।